हिस्ट्री की जो सब्जेक्ट है उसको मैं जनता तक पहुंचाती हूं, सो यही मेरा कैरेक्टर है। आपने इस बारे में कोई प्रिपरेशन की थी? नहीं नहीं, प्रिपरेशन तो बिल्कुल नहीं की थी। मैं बेसिकली एक एक्टर हूं और सडनली मैंने ऑडिशन दिया था, बट सडनली आई गॉट ऑफर फॉर दिस मूवी, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। और मैंने हाँ ऑफकोर्स दिस इज माई फर्स्ट मूवी, ऑफकोर्स टू मच एक्साइटेड, इसलिए शायद थोड़ा बहुत नर्वसनेस है। हाँ मैंने ऑडिशन दिया था इसके लिए। इस मूवी के थ्रू क्या मैसेज दे रहे हैं? मूवी के थ्रू क्या मैसेज दे रहे हैं? ऑफकोर्स ये तो मूवी देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। ये बेसिकली आजकल जो हो रहा है, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स इस मूवी के बाद शायद फार्मर्स लोग सुसाइड करना बंद कर दे, एंड जो सरकार है हमारे उनको समझ में आए कि एग्जैक्ट इशू क्या है, इसी के ऊपर ये मूवी है। ऑफ कोर्स इस मूवी में थोड़ी बहुत पैसे हैं, नो कमेंट्स फॉर दिस, सरकार फिर हमें बदल देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Who are you asking? Who are you asking out of four of us? Who should answer? Anyone. See, okay, fine, I'll start. ये movie basically farmers पे हैं, मराठवाड़ा के जो farmers हैं, या I think अभी तो इतना burning topic है कि farmers all over मैं तो कहूँगा, उनकी जो अभी दुर्दशा है, जो पानी को लेकर जो समस्याएँ खड़ी हैं, film उस note पे है basically, और बड़ी टचिंग कहानी है एक फार्मर की, जो आता है इतना कुछ सहने के बाद, इतना कुछ ये करने के बाद, आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि वो आता है और किस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम्स बताने की कोशिश करता है, ये करता है वो करता है, तो बेसिकली ये फिल्म उस नोट पे है, फार्मर सुसाइड। जी हम, या बिल्कुल बताएंगे, हम चारों मीडिया स्टूडेंट्स हैं, हम मास मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, और हमको एक प्रोजेक्ट मिला है इस फिल्म में फार्मर सुसाइड पर। सो हम कैसे उस फार्मर सुसाइड के प्रोजेक्ट को लेकर निकल पड़ते हैं अपनी राह पे, और एक के बाद एक इंसिडेंसेस होते जाते हैं हमारे साथ, वो है स्टोरी बेसिकली, वो है हमारे इस फिल्म को लेकर। लाइक ही सेड, इवन आई एम अ स्टूडेंट, वी फोर आर स्टूडेंट, हम लोग सभी एक ही क्लासरूम से है, और आप ही की तरह है, आप लोग भी मास मीडिया से हो, हम भी मास मीडिया से, ऐसे ही हम मास मीडिया गिरी करने निकल पड़ते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाने निकल पड़ते हैं। प्रोजेक्ट फार्मर्स की सुसाइड के ऊपर है। इनिशियली वी वर इरिटेटेड कि ये क्या सब्जेक्ट मिला यार, बॉलीवुड दे देते, क्रिकेट दे देते, प्रोजेक्ट करने में थोड़ा मज़ा आता, जवान खून है ना। बट देन व्हेन वी स्टार्ट अवर जर्नी एंड वी मीट दिस फार्मर, वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड वी पार्टिसिपेट इन हिज जर्नी, हेल्प हिम डू द आंदोलन, फाइट फॉर हिमसेल्फ। इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म, यू मस्ट वॉच इट। I was also a student. My name is Carol in the movie. Yeah. So, koi preparation ki thi is role ko ada karne ke liye? Lot. Sabki class hoti thi baqayda director saab ke saath mein. He used to call us every day for our reading sessions. We did not go to any field, if you're asking me that, if you meant that, ke hum koi farmer ko milne gaye the ya aisa kuch, no, not that kind of a preparation. But then we were doing our reading sessions, yes. He wanted us to be prepared to be, you know, presentable in front of Om ji, because Om ji, we know what kind of an actor and what level actor he is. To unke samne hum log thodi theek thak acting kar le, utna hamare director ne humko bana liya. He'll say that. बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि इसके पीछे यहाँ पे जो ये बोर्ड है, इसके पीछे लिखा हुआ है रिलीजिंग ऑन 3rd June, तो मतलब 15 दिन या 20 दिन के बाद हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। एक साल कैसे निकल गया कुछ भी करके, फिल्म कम्प्लीट हुई, फाइनली हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सब लोग आज मिल के, एंड फाइनली के ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बोल नहीं रही है, लेकिन शी इज़ वेरी एक्साइटेड बिकॉज की इसकी भी मूवी है एक्साइटिंग, वर्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं, वर्ड्स नहीं मिल पा रहे उसको हिंदी में बोलने के लिए। I wish I can say everything in Hindi now. Yeah. I'm really jealous how you can speak, and I cannot still speak like that, but I can understand a little bit. But actually, they said most of the things about movies, so there is nothing mostly left for me to say. But this story is amazing. You should really watch, and I really think that this story will help
the country and the farmers. I really hope for that because that is the main thing we were doing actually. मैं हमारे जो producer हैं हमारे प्रकाश जी और बाकी जो Eagle Eye Films जो हैं Jairosh Entertainment और हमारे Mr. Director हमारे जो director हैं Bhavin Wadia जी उनका thank you कहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा initiative लेकर इस film को release करने की बहुत ज़्यादा उन्होंने तमन्ना रखी थी और मैं बहुत ज़्यादा happy हूँ खुश हूँ कि आज उनकी जो एक 8 साल की उन्होंने क्योंकि Bhavin Wadia मैं उनको जानता हूँ 8 सालों से तो उन्होंने जिस जब से ये फिल्म लिखनी शुरू की थी तब से लेके अब तक उनकी जो एक जर्नी रही थी इस फिल्म को लेकर कि नहीं यार मुझे कुछ भी करके इस फिल्म को कंप्लीट करके रिलीज़ करनी है आज फाइनली वो दिन आया है कि मीडिया के साथ सब लोग हम लोग वापस मिले हैं कि भाई हमारी फिल्म रिलीज़ होने के लिए तो अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हमारी फिल्म रिलीज़ होगी हमारे प्रकाश जी हमारे प्रोड्यूसर हमारे डायरेक्टर मिस्टर वाडिया Bhavin Wadia और बाकी मेरी कास्ट जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड अभी जो आएंगे हमारे ओम जी आएंगे अभी तो पूरी मीडिया उधर जाने वाली है सो ज़्यादा एक्साइटेड हम सबकी आई थिंक फर्स्ट फिल्म है तो उस बात से भी हम बहुत एक्साइटेड है कि हम चारों की पहली फिल्म है ओम जी के साथ है एंड Bhavin Wadia जी द लेजेंड हैज कम सो या वी आर वेरी एक्साइटेड 3rd जून को आप प्लीज़ जाके देखी गए फिल्म प्रोजेक्ट मराठवाड़ा थैंक यू सो मच फल हो अनाज हो मसाले हो वो किसान बुलाता है और वो इतनी मेहनत करता है सुबह 4 बजे उठ के पानी देगा और दोपहर की कड़कती धूप में पक्षियों को उड़ाएगा या काम कर रहा होगा ही वर्क्स इन वेरी टफ कंडीशन जो सब्जी हम यहाँ कल मैं तुरई लेके आया 120 रुपए किलो और वो जो किसान मरता है बेचारा उससे ये खरीदेंगे 15-20 रुपए में तो दिस इज द कंडीशन ऑफ फार्मर्स इन आवर कंट्री आज जब मैं कॉलेज में था तो हमारे पास अनाज नहीं था अमेरिका से अनाज आता था सड़ा हुआ बेचारे भाई हम तो गरीब थे हम भीख मांग रहे हैं तो भाई जो मिल रहा वही सही तो एक गेहूं आती थी PL 480 जो वो वहां सुअरों को खिलाते थे वो हमें मिलती थी यहाँ लाल कलर की होती थी वो और उसको जब बेलते थे तो वापस आ जाती थी रबड़ की तरह तो बार बार उसको बेल के तब यू गेट द शेप नहीं है ना दाल की ना चावल की कभी कभार प्याज की कमी हुई है वो शायद किसी प्लानिंग की वजह से कि भाई यू नो पता चले कि कितना प्याज उगना चाहिए वरना पिछले 50 साल में 50 से भी कम 45 साल हमारे पास जो खाद्य सामग्री है अनाज सड़ रहा है इतना सरप्लस है क्योंकि इतने बड़े गोदाम नहीं है सरकार के पास मर के किसान ने आप ऐसी स्कीम्स बनाओ कि भैया उसके आलू को ये जो चिप्स बनाते हैं आप फैक्ट्री खोलिए और बेचिए चिप्स तो किसानों ने तंग आके बोले इसको हम मंडी लेके जाएंगे हमें तो ऊपर से खर्चा करना पड़ेगा उन्होंने ट्रक के ट्रक एज अ प्रोटेस्ट सड़क के ऊपर डाल दिए तो हमारे जो खासकर जो छोटे किसान बड़े किसान 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन है और दूसरे भी उनके धंधे होते हैं जो हमारा छोटा किसान है
मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, मैंने कहा क्या करना चाहिए, तो मैंने ये सोचा कि अब मैं उसको साइंटिफिकली तो नहीं कह सकता हूँ बिकॉज आई एम नॉट एन अथॉरिटी, बट मेरा कहना ये है कि जिस किसान के पास 3 एकड़ जमीन है और कोई जरिया नहीं है